डॉक्टर राम प्रसाद सिंह, आज महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास का मैं प्रबंध न्यासी हूँ। आज यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, किस संदर्भ में लगी है, क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रदर्शनी को हम लोगों ने, अब कोई उद्देश्य तो बाकी नहीं रह गया, हम लोग जन जागरण कर रहे हैं और ज्ञानवापी के उस आदि विश्वेश्वर मंदिर में जितने भी सबूत हम लोगों को मिल रहे हैं अभी तक, हम सारे सबूत को जनता के समक्ष मीडिया के माध्यम से रखना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं ये हमारा सच है, यही सबूत है, यही साक्ष्य है। लेकिन तमाम तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ये सब इसको मान नहीं रह रहे हैं, तो आप लोग उनको क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है मुस्लिम समुदाय कभी मानेगा? और ऐसे माना है, वो समझाने से कभी मानते हैं क्या? सारे सबूत हमारे पास हैं, वो जहाँ नमाज पढ़ते हैं अंदर की तरफ उन दीवालों पर त्रिशूल है, डमरू है, स्वास्तिक है, वो किससे, हमने जाके बना दिया है क्या? वो कौन बनाया है, कहाँ पे हमारे सारे सबूत वहाँ उनके अंदर कैसे मिल रहे हैं? तहखाने में सारे सबूत भरे हैं, उनके अंदर जो तहखाना है उसमें सबूत भरा है, तहखाने के अंदर जो पत्थर है उसमें सबूत भरा हुआ है पूरा। बाहर से तो देखने पर ठीक है, वो तो सामान्य प्रक्रिया है, सभी लोग देख रहे हैं कि बाहर पश्चिमी दीवार पर जो देखिए सब हमारा है, गुम्बद के अंदर भी मंडप, हमारा मंडप मिल रहा है, मंडप का जो छत है वो मिला है, सारी चीज़ें मिल रही, तो किस आधार पर वो कहेंगे? उनका आधार केवल एक ही है, हम नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री ने कल इसे बयान, मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, मैं उनको बधाई देता हूँ कि देरी से ही सही उन्होंने हम सब की बातों को स्वीकार कर लिया, हमने जो सच रखने का प्रयास किया था उसको उन्होंने अक्षरशः स्वीकार किया, उन्होंने मान लिया कि हाँ सच यही है।